देश भर में कोरोना के हालात डरावने होते जा रहे हैं। कई जगह से शमशानों में एक के बाद एक लाशों की जलती तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयपुर में भी जब हमारी टीम ने शमशान घाटों का जायजा लिया तो कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना का सितम लगातार जारी है। हालात ये है कि अब शमशान घाटों में चिताओं को जलाने के लिए लंबी लाइन का यानी कि वेटिंग करनी पड़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदर्श नगर शमशान घाट में, जहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तो खुद विचलित हो जाएंगे कि कभी भी इस तरह के हालात भी देश में बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शमशान घाट का ऐसा कोई सा भी स्थान खाली नहीं है जहाँ पर चिताएं नहीं जल रही हो। हालात ये है कि अब शमशान घाट के जो कार्मिक हैं उनको बड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ रही है। जैसे ही एक चिता को जलाया जाता है तुरंत दूसरी चिता का इंतजाम है वो यहाँ पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले, कोरोना संक्रमण के दौरान होती हुई मौत, अब शमशान घाटों में भी स्थिति को विस्तृत कर देने वाली। हमारे साथ एक शमशान घाट के ही एक सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? नाम दुर्गेश कुमार। दुर्गे जी, किस प्रकार के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और पिछले सीजन में भी मैंने यहाँ काम किया था। इस सीजन में मैं कारणों से मैं दो दिन के लिए मैं दूसरे कोविड में गया हूँ और इसमें रोज़ की कम से कम 30-40 बोरियाँ आ रही है, जिसके अंदर क्या है साहब, परिजन बेचारे खड़े रहते हैं, परिजनों को भी इंतज़ार देखना पड़ता है। आम आदमी आकर के खड़ा हो जाता है, देखते हैं साहब ये कब मेरी बारी आई, कब मैं हुई अपने परिवार का दाह संस्कार करूँ। वो अपने परिवार को देखने तक के लिए तरस जाते हैं, लेकिन यहाँ की संस्था ने यहाँ के लोगों को उनको दर्शन करवाने की अनुमति दी है, उनके चेहरे खुला करके इनको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, तो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शमशान घाटों में जिस प्रकार से लगातार चिताओं पर चिताएँ आ रही है, यानी कि कई बार परिवारजनों को ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको इंतजार करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण से बचाव का एक ही तरीका है कि अब घर में रहें और सुरक्षित रहें। क्या मैं प्रसन्न संजय के साथ, भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।